अभी टैटू निकाल रही है हेमा, टैटू सरप्राइज है, लास्ट में ही दिखाऊंगा। ये टैटू स्टूडियो, ये कलंगूट बीच में इंटर हो रहे हो ना, बस लेफ्ट में ही है, जस्ट ये देखिए तीन दुकान छोड़ के यहाँ पे बेसिकली 500 रुपीज पर इंच है प्राइस। तो हमारा लगभग 2.5 इंच हो रहा है, 2.5 से 3 इंच। तो हमें पहले 1600 बोला था, बार्गेनिंग किया 1200 की, तो 1200 में टैटू बन रहा है हेमा के हाथ के ऊपर। देखते हैं गाइस, पहले पेन से बेसिक ड्राइंग बनाई जाती है। अगर आप कंफर्म हो कि आपको टैटू निकालना है तो कभी भी टैटू शॉप के बाहर एजेंट रहते हैं उनसे बचे, उन्हें 20% कमीशन दिया जाता है शॉपकीपर से। कमीशन मतलब आपके टैटू प्राइस पे इफेक्ट होगा। और ये है टैटू मशीन की आवाज। फाइनली टैटू बन गया है हेमा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट्स गुड, बहुत गर्म हो रहा है ओवरऑल, बट अच्छा। लोकेश राठौड़ ये है इनके टैटू आर्टिस्ट। ये लोकेश राठौड़, इन्होंने मेरा टैटू बनवाया है, बहुत अच्छे से बनवाया है ऐसे मुझे तो लग रहा है, देखो आप भी देख सकते हो। और इनका जो स्पीड था वो भी अच्छा था, गोवा में इम्पोर्टेंट स्पीड है वो, इधर का मैंने लास्ट टाइम भी निकलवाया था, बट ये भी अच्छा है। देखिए आज है 31st नाइट सेलिब्रेशन।
अभी हम है बागा बीच। आज 31st नाइट है और बागा बीच में इतना शोर है ना, बाप रे बाप। हर एक शख्स में अलग अलग साउंड्स लगा है और वो भी लाउड में। कुछ सुनाई दे रहा है क्या आपको? और दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है मालूम है? ये टाइम है ना, फॉरेनर है ना, सिर्फ 2-3% ही है। बहुत कम है, बहुत है, एक्चुअली है ही नहीं, 1% ऑलमोस्ट रहेंगे। वो भी हम लोग इसलिए नहीं दिखे, बट उनकी जगह इंडियंस ने भर दी है। पूरे इंडियंस ही है इधर, इंडियन पूरा खचाखच भरे हुए है और रोड पे ट्रैफिक भी जाम है। हमें लगभग होटल से यहाँ आने के लिए आधे से 45 मिनट्स लगा, जो कि नॉर्मली बाय कार ये 7-8 मिनट्स ही था। बट एनीवे हमने 8 बजे गाड़ी चालू किया था, 9 बजे तक पहुँच गए और अभी हम बीच पे चिल मार रहे हैं, क्योंकि आज बेसिकली हमारे साथ किड्स है। ये टूर हमने किड के साथ किया है, किड्स पीछे खेल रहे हैं और किड्स होने के कारण हम किसी पब में नाइट क्लब में नहीं जा रहे हैं। जा सकते हैं, एक्चुअली अलाउड ही नहीं रहता है उधर, तो हम लोग जाना ही प्रेफर नहीं किया। यस, सुबह जब हम सिक्वेरियम बीच गए थे ना, तब आते समय सिंक नाइट क्लब मिला था, वहाँ पे हमने इंक्वायरी की थी, तब उसे हमें 6,000 पर कपल बताया था, बट उसमें भी किड्स अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है, 18 एंड अबव अलाउड है सिर्फ। हाँ, और रात से 8 बजे से स्टार्ट होने वाली थी पार्टी टिल 4 AM मॉर्निंग। हाँ, तो सेम किटोज में भी कंडीशन है, किड्स अलाउड नहीं है। तो आज की नाइट हम बीच पे गुजारेंगे और फिर बाद में खाने के लिए कोई शैक बिक में जाएंगे और 12 बजे का देखते हैं यहाँ पे क्या हैपनिंग होने वाला है। लाइक ये शैक वाले फायर वर्क्स करते हैं ऐसा सुना है, देखते हैं कि ये 31st में हम फायर वर्क्स देखेंगे या नहीं, है ना हेमा? यस, अभी हम लोग समुंदर के पास एकदम बैठे हैं, सामने अपोजिट में समुंदर है, अच्छे से वो पीछे का साउंड और समुंदर की लहरें महसूस कर रहे हैं। मतलब पूरा रिमिक्स चालू है सब, है ना, शैक के गाने चालू है और हम सुन रहे हैं। बट मेरे ये देख, मेरी बच्ची यहाँ पे खेल रही है और ये छोटी बच्ची, हेलो हाय करो। बहुत थक गए हैं और शैक्स भी सब फुल है और बहुत भूख भी लगी है और मेरी बेबी भी सो रही है। लाइक 11:30 क्रॉस किया हमने और अभी भी हम बैठे हैं, बस एक सीट मिल जाए 4 जन के लिए। इतना गोवा फुल है कभी पता भी नहीं लगा, एक्चुअली ऐसा पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं लिया। और फाइनली हमें एक जगह पे रुकने दे रहे हैं, एक सीट है जो खाली हो रही है, खाली हो रही है, हुई नहीं हो जाएगी 2 मिनट के लिए बैठने बोला है। और वो जो शैक है वो शायद उसका नाम है AGGI अग्निज, एगिस शैक है जहाँ पे हमें बैठने मिला है। जस्ट बागा जब एंटर होता है तभी उसके अंदर ही है वो।